बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मज़म खान और मैं हूं मज़म खान। आज हम वीडियो बना रहे हैं स्कॉर्पियो पे, क्योंकि सन इस वक्त ट्रांजिट से घूमकर स्कॉर्पियो में आ रहा है। और ये वो याद रहे तो वो तमाम लोग जो 22 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के दरमियान पैदा हुए हैं वो बाय सन साइन स्कॉर्पियो, क्योंकि हम बना रहे हैं पाकिस्तान पर। तो इसलिए सबसे पहले देखें पाकिस्तान का चार्ट। पाकिस्तान में आप चार्ट देखें तो सन इन लियो, मरकरी इन लियो, वीनस इन लियो, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस, मून एंड मार्स इन कैंसर, जुपिटर एंड केतु इन लियो। तो आज की जो प्लैनेटरी कंडीशन है, जिसे हम कहते हैं कि आज यानी कि ये महीना कैसा रहेगा, तो उसमें यह है कि सन इन स्कॉर्पियो, मार्स इन स्कॉर्पियो, मर्करी इन स्कॉर्पियो, मून इन स्कॉर्पियो अब स्टार्ट हुआ है, सैटर्न इन पाइसिस, जुपिटर इन टॉरस, राहु इन एरीज। और जो वीनस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस वक्त वो है वर्गो में। तो ये प्लैनेटरी कंडीशन है। और ये बात याद रहे कि जब भी मार्स अपने घरों में होता है तो एक स्पेशल डेजिग्नेशन हासिल करता है, उससे कोई भी एस्पेक्ट्स हों वो कभी भी बहुत शदीद डैमेज नहीं होता। तो इसलिए ये महीना सारा का सारा अफवाज पाकिस्तान, इकॉनमी, पावर, स्ट्रेंथ इसके गिर्द घूमेगा। और इस ख़ास महीने में अगर आप गौर से देखें तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, जहाँ जहाँ आपको हर तरफ आर्मी की एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आएगी, रूल नज़र आएगा, पावर नज़र आएगी। वो तमाम मामला जो डायरेक्टली कंसर्न पैसे से हैं, बिजली से हैं, इकॉनमी से हैं, ट्रांसपोर्टेशन से हैं, आवाम से हैं, इनके बारे में कुछ फैसले लिए जाएंगे। और ये बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो रही है जब से नवाज शरीफ साहब आए। तो जो पॉलिटिक्स इस वक्त वीनस है वो बैठा हुआ है वर्गो में, जिसका मीडिएटर मार्क के साथ बैठा हुआ है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आने वाले लोग जो हैं उनको मार्स यानी कि पावर, वो लोग जो पावर में हैं आपको पता ही है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई एडवांटेजेस मिलने के चांसेस होंगे। और ये बात भी याद रहे कि जो पिछले लोग हैं जिन्हें हम पोलिटिकल ओल्ड ट्रेडिशनल पोलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं, या वो लोग जो पहले सियासत करते रहे, ये एडवांटेज उनको नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बाय बर्थ वीनस अफ्लिक्टेड है विद सन स्क्वेयर्ड बाय राहु स्क्वेयर्ड बाय केतु विद सैटर्न। तो ये प्लैनेटरी कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं। तो आई थिंक ये जो अब आपको वन साइडेड गेम है, ये इस महीने भी कहीं ना कहीं नज़र आएगी, लेकिन इस महीने काफ़ी सारे फैसले आपको होते हुए नज़र आएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आर्मी अपना रोल प्ले करेगी, या एस्टेब्लिशमेंट जो हम अपना रोल प्ले करेगी, और कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आएगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान और कंट्रोवर्शियल सिनेरियो क्रिएट हो। सो इस महीने काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होने वाली हैं, और आवाम का एक ख़ास किस्म का रद्दमल आने वाला है। और ये बात भी याद रहे कि जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का मतलब होता है बिच्छू, और ये एस्ट्रोलॉजी में महापुरुष कुंडली का आठवां घर है। तो कुछ खुफिया साजिशें या कुछ खुफिया बातें भी आपको नज़र आएंगी, जो इसके मामले में आपको नज़र आएंगे कि किन किन का साथ दे रहे हैं। तो ये महीना इसलिए होगा, इस तरह का होगा। आप अपने कमेंट्स हमें जारी रखें, भेजें, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।